शेरपुरिया का टर्नओवर 3 साल में 45 करोड़ तक पहुंचा। पुलिस ने गुजरात में दस्तावेजों की पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। 1 करोड़ रुपए 3 साल में हो गए 45 करोड़। जांच में अफसर भी चौंके। 3 से 9 मई तक रिमांड के दौरान शातिर संजय ने उगले कई अहम राज। आय के स्रोतों की तलाश शुरू। ईडी को भी जानकारी दी गई। महाठग से साक्ष्य के साथ पूछताछ करेगी एसटीएफ। जालसाज शेरपुरिया को गुजरात लेकर पुलिस ने जब उसके दस्तावेजों की पड़ताल की तो वह चौंक गई। उसकी हैरानी तब और ज़्यादा बढ़ गई जब वहीं कुछ लोगों ने बताया कि वर्ष 1997 में केरोसिन ऑयल का काम महज 1 लाख रुपए में शुरू करने वाले शेरपुरिया का टर्नओवर 3 साल में ही 45 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसके लिए उसने 3 कंपनियां बनाई थी। शेरपुरिया ने भी इस बात को कबूला है। विभूतिखंड पुलिस ने यह जानकारी ईडी को भी उपलब्ध करा दी है। अब इस मामले की जांच कर रही एसटी पता करेगी कि शेरपुरिया का स्रोत और जुगाड़ क्या था जिससे वह इस तरह से करोड़पति बन गया था। इसके लिए एसटीएफ कई लोगों से दोबारा पूछताछ कर सकती है। 3 मई से 9 मई तक संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया रिमांड पर रहा था। इस बीच विभूतिखंड पुलिस उसे नोएडा, दिल्ली और गुजरात लेकर गई थी। दिल्ली और गुजरात में शेरपुरिया के कंपनियों के दफ्तर को खंगाला गया, फिर कई दस्तावेज पुलिस के कब्जे में लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दौरान ही शेरपुरिया के टर्नओवर के बारे में पता चला। होटल के वेटर की नौकरी करने के बाद जब होटल मालिक की बेटी से उसकी शादी की तब उसने 1 लाख रुपए लगाकर पेट्रोकेमिकल्स व्यवसाय शुरू किया था। इसमें केरोसिन ऑयल की एजेंसी लेकर उसने काफ़ी कमाई की थी। वर्ष 2000 तक 3 साल में उसका टर्नओवर 45 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। करीबियों ने कहा हर कोई हैरान था। पुलिस ने शेरपुरिया के कई करीबियों से भी पूछताछ की। इन लोगों ने भी कहा कि शेरपुरिया जिस तरह से आगे बढ़ रहा था उससे ही सब हैरान थे। उस समय कई लोगों ने कहा था बिना फर्जीवाड़े के कोई इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकता। अब उन लोगों की बात सच भी हो रही है। पुलिस ने भी यह कहा कि शेरपुरिया ने कई कंपनियां फर्जी दस्तावेजों से बनाई थी। इनमें कुछ के डायरेक्टर तो करीबी रिश्तेदार ही थे जबकि कई डायरेक्टरों के नाम फर्जी लिखे गए थे। इनके खातों का लेन देन भी शेरपुरिया ही करता था। भले ही वह इन कंपनियों में सीधे तौर पर किसी पद पर नहीं था पर सारा संचालन उसके हाथ में था। एसटीएफ की एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। विभूतिखंड पुलिस ने ईडी को दस्तावेज सौंप दिए हैं।